बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित करके स्वरोजगार अपनाने के लिए पीएनबी आरसीटी पूरे देश भर में बेहतर काम कर रहा है। हमीरपुर के दुसरका में पीएनबी आरसीटी कार्यालय में नेशनल डायरेक्टर आरसीटी केएन जनार्दन ने पहुंचे। हमीरपुर पीएनबी आरसीटी में नेशनल डायरेक्टर आरसीटी केएन जनार्दन का पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर आरसीटी हमीरपुर हेड रवि के अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान हमीरपुर जिला में चल रही आरसीटी की गतिविधियों के बारे में चर्चा की गई और प्रशिक्षित प्राप्त कर रहे युवाओं से भी फीडबैक ली गई। केएन जनार्दन नेशनल डायरेक्टर आरसीटी ने कहा कि आरसीटी का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों के बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए पूरे देश भर में गरीब बच्चों को प्रशिक्षित देकर परिपक्व बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 70 लाख पूरे देश में बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वह पीएनबी आरसीटी के माध्यम से स्वरोजगार अपनाने के लिए आगे आए। मेरा नाम है जनार्दन, नेशनल डायरेक्टर फॉर आरसीटीज। पूरा देश में 586 आरसीटीज काम कर रही है। ये आरसीटीज का मुख्य उद्देश्य है कि बेरोजगार बच्चों को, गरीब बच्चों को उनके पैरों पे खड़े करने के लिए उनको कुछ हुनूर देके, उनका बिजनेस का आइडिया देके, उसको उन्हीं का गांव पे या उन्हीं का लोकेलिटी पे उसको कुछ काम देने के लिए हमारा कोशिश रहेगा। अभी 2011 से हमारा ये चल रहा है। लगभग 27 लाख बच्चों को हमने ट्रेनिंग दे चुके हैं। हमारा सक्सेस रेट है लगभग 67%। इसका मतलब लगभग 17 लाख बच्चों उनका पैरों पे खड़े होके उनका खुद का व्यवसाय करते हुए 10,000 15,000 20,000 लाखों रुपया कमा रही है। और इसका बहुत बढ़िया ये इश्यू है कि इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है। मैंने एक धंधा खोल दिया, बिजनेस शुरू कर लिया, मेरा एक साल के बाद बिजनेस बढ़ रहा है तो मैं और एक आदमी को, दो आदमी को, तीन आदमी को मैं नौकरी दे सकता हूँ। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है, ये भी बहुत बढ़िया है। ये बैंक चला रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ। हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक बैंक का जिम्मेदारी दिया है, लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि किसके पास, किस बैंक के पास ये लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस डिस्ट्रिक्ट में एक आरसीटी खोलने के लिए। तो इसी कारण से लगभग 586 आरसीटीज हमारा पूरा देश में काम कर रहा है। आज अभी मैं हिमाचल प्रदेश में कल से विजिट कर रहा हूँ। सिमरो गया था और जैसे शिमला आया, अभी सुबह बिलासपुर गए थे, अभी हमीरपुर आया हूँ और अभी आगे धर्मशाला होके मैं वापस बेंगलुरु मेरा हेडक्वार्टर में चला गया। मेरा हर आरसीटीज का एक एक स्टेट में एक एक स्टेट डायरेक्टर होते हैं, वो इसको एक महीने में दो महीने में आके इसको सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं और उसको क्या इसमें कमियां हैं वो आइडेंटिफाई करके उसको वो गैप्स को फिलअप करने के लिए हमारा स्टेट डायरेक्टर विजिट करते रहते हैं। लेकिन नेशनल डायरेक्टर होते हुए मैं कभी कभी मैं एक स्टेट में आऊँ तो दो तीन आरसीटीज में विजिट करके देखता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, उसका इंट्रैक्शन करता हूँ, उनसे पूछता हूँ क्या क्या कमियाँ हैं, क्या उसका फ़ायदा मिला, उसका कोई सुझाव होगा तो, सुझाव अच्छा होगा तो हम पूरा देश में उसको लागू करने का कोशिश भी करते हैं। सर, आज हमीरपुर में आए थे तो अभी हमीरपुर में भी आप ट्रेनिंग बैठे हुए थे कुछ, तो यहाँ पे किस तरह से रहा आपका? अभी लगभग 15-20 बच्चे आए थे, उसमें कुछ आचार कर रहे, आचार पापड़ का व्यवहार कर रहे हैं, उसका ट्रेनिंग लेने के बाद ग्रुप में, समूह में उसका एक्सपीरियंस बता रहे थे। किसी ने ब्यूटी पार्लर का प्रोग्राम लिया था, उसका एक्सपीरियंस बता रहे थे। किसी का टेलरिंग का था, किसी का सॉफ्ट टॉयज का था, किसी का PMEGP में कुछ ट्रेनिंग लिए थे, उनका कुछ बिजनेस कर रहा है। इसमें क्या है, उन बच्चों को हम एक हुनूर दे दिया, हुनूर देने के बाद उसको बिजनेस का आइडियाज भी देते हैं। उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो, अभी कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमारा ये बैंक में ये प्रॉब्लम है, उसको हम हमारा डायरेक्टर्स को बोलते हैं कि देखो ये इश्यू को रिजॉल्व करो। यही हमारा हैंड होल्डिंग होता है। ट्रेनिंग देने के बाद पूरा देश में ऐसा कोई संस्था है किसका आरसीटी के साथ संबंध हो वो आरसीटी है। बच्चों के साथ दो साल हैंड होल्डिंग करते हैं, उनका कोई भी इश्यूज आता है बैंक के साथ और किसी का मार्केटिंग के साथ उसका और कोई इश्यूज होगा तो उसको हमेशा हमारा डायरेक्टर, हमारा स्टाफ उनके संपर्क में रहते हुए उसको रिजॉल्व करते हुए उनको बिजनेस में आगे लेने के लिए हमारा हमेशा कोशिश रहता है। ट्रेनिंग दे दिया बस बात खत्म नहीं होगा, ट्रेनिंग के बाद भी दो साल तक उसका हैंड होल्डिंग करके उसका योगक्षेम देखते रहते हैं। यही हमारा USP है। हमारा आरसीटी के द्वारा
नया स्कीम तो नहीं है इधर सब, अभी हमीरपुर में, हमीरपुर में कोई विशेषता है, कोई अच्छी ट्रेनिंग के लिए अवकाश है, उसको भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्यूटी पार्लर करो, मोबाइल रिपेयरिंग करो, ऐसा नहीं है। इनके इधर कुछ विशेष कार्यक्रम होगा तो उसका भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई कर रही है, तो उसका भी पूरा 586 आरसीटी एक्रेडिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा आरसीटी ही उनको ट्रेनिंग देता है। इसमें लगभग 50,000 तक हम हर साल ट्रेनिंग देते हैं, उसका क्रेडिट लिंक करवाते हैं, उनके इंडस्ट्रीज को, सर्विस इंडस्ट्रीज को हम उसको सेटअप करने में बहुत मदद करते हैं। ऐसे ही एससीएसटी कॉर्पोरेशन के साथ हमारा टाइप है, एनयूएलएम नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के साथ हमारा टाइप है। गरीब बच्चे शहर पे रहते हैं, उनका भी ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्योंकि हमारा उनके साथ भी, एनयूएलएम के साथ भी हमारा टाइप है। ये पूरा तीन मिनिस्ट्री, तीन सेंट्रल में सहयोग कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक है, एक बैंक है, एक स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट आरसीटी चलाने के लिए लैंड देती है, वो लैंड में बिल्डिंग बनाने के लिए लगभग 8,000 स्क्वायर फीट रेजिडेंशियल का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 करोड़ देती है। बैंक्स एक ऑफिसर को डिप्यूट करते हुए पूरा स्टाफ देते हुए उसमें वो आरसीटी का ट्रेनिंग देखभाल करने के लिए वो डायरेक्टर को भी नियोजित करता है। कंस्ट्रक्शन अभी चालू है, मेरे ख्याल से 3-4 महीने के अंदर अंदर ये भी बिल्डिंग पूरा तैयार हो गया है, तो उसमें बच्चे पहले दिन आ गए, 30 दिन का ट्रेनिंग होगा तो 30 दिन के बाद ही बाहर जाएंगे। हमारा बिल्डिंग बनने के बाद उधर रेसिडेंशियल होता है, पहले दिन आ गया, 8 दिन भी चाहेंगे उधर, उनका खाना पीना और रहने का व्यवस्था और ट्रेनिंग सब हमारा जिम्मेदारी है, वो पूरा निःशुल्क में हम देते हैं। हमारा एक ही रिक्वेस्ट है, हम इसका प्रचार बहुत ज़्यादा नहीं करते। हमारा कितने बच्चे आते हैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करते हैं, देखो आप जाके आरसीटी के बारे में आपका गांव में इसका प्रचार करो, लेकिन आप टीवी वाले हैं या अखबार वाले, आप इसका प्रचार बहुत जल्दी से जल्दी बहुत लोगों को पहुंचा सकते हैं। हमारा विनती है पूरा इस आरसीटी के बारे में आप कितना भी इसका प्रचार करेंगे, ये बेरोजगार तक, कितने बेरोजगार को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, वही हमारा आशा है, हमारा रिक्वेस्ट है।